डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कांग्रेस यूएसए का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप फिगर देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, ओ ह्यूम, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ए, ओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टोवियम ह्यूम था, जो अंग्रेजी सेना की एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी सीपीआई की स्थापना बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में एमएन राय ने कानपुर में किया। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल बदल। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दल बदल अधिनियम राजीव गांधी के शासनकाल में पारित किया गया। वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीतिक में काफ़ी प्रचलित थी। पाँचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दो बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? आप आंसर का अनुमान फिगर देखकर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की किस पार्टी को दक्षिणापंथी पार्टियों की कोटी में रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी है। नरेंद्र मोदी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, भारतीय राजनीतिक दल को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जिस देश की राजनीतिक में एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व हो, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया जाता है। भारत एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है।
अर्थात भारत में अनेकों राष्ट्रीय दल अस्तित्व में हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। लेनिन रूस के बोल्शोई क्रांति के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8। वर्तमान भारत में 8 राजनीतिक दल अस्तित्व में हैं, जिसकी स्थापना और उनका नाम यहाँ पे दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। दूसरा आम चुनाव पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1957। सी इज राइट आंसर। दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें 494 सीटें थी और बहुमत के लिए 248 सीटें आवश्यक था। इसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में और चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आप फिगर देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वह भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन 23 जनवरी 1977 ईस्वी में किया गया। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया, परंतु आंतरिक मतभेद के कारण जनता पार्टी 1980 में टूट गई। आइए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस। कांग्रेस का प्रारंभिक चुनाव चिन्ह दो बैल थे, आप फिगर में देख सकते हैं, और बीजेपी का वर्तमान में कमल है, पहले दीपक था। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। शिवसेना भारत का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र प्रांत में सक्रिय है। शिवसेना की स्थापना 19 जून 1967 ईस्वी को बाल ठाकरे ने की। बाल ठाकरे का फोटो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र दिवस। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है।
इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय गांधी। राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक राजीव गांधी को मानते हैं। संजय गांधी भारत की एक राजनेता थे जो इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आप फिगर देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना इन्होंने किया, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का लोगो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। वर्तमान में आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है, जिसे 1 जनवरी 1950 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी, यानी ऑप्शन बी सही है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1977 के आम चुनाव में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, यानी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। हालांकि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई और 1980 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम आम चुनाव में सबसे पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हिमाचल की छीनी तहसील में पड़ा तथा फरवरी 1952 ईस्वी में चुनाव खत्म हुए, यानी प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ। भारत में प्रथम चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए फिगर देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी को हुआ। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1971 में बने गठबंधन का ध्येय क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा हटाओ का।
इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। दल बदल अधिनियम 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसका जवाब भी जानते हैं। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? फिगर में किसका फोटो है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? युवा तुर्क, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनकी मृत्यु ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में कानपुर में की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? उस राज्य का फिगर मैप में आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ओडिशा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, इम्पोर्टेंट फैक्ट पहले देख लेते हैं। भारत का सबसे गरीब राज्य ओडिशा है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने द्वैत शासन स्थापित किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। इसके ठीक विपरीत चीन एक राजनीतिक दलीय व्यवस्था वाला देश है। अर्थात भारत में कई दल अस्तित्व में हैं, कोई एक दल का प्रभुत्व नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भूतपूर्व भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का फोटो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम से स्थान 12 हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही है। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तथा राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला प्रश्न है, 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था?
इसका राइट आंसर होगा समय अनुकूल विचारधारा का न होना। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेनली किसने ने कहा।